जबलपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करी में तकरीबन 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान पुलिस ने करीबन 4 लाख के मादक पदार्थ भी बरामद किए हैं। सर बताइए, आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगातार जबलपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में लगभग 9 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनसे 15 किलो गांजा और तकरीबन 29 ग्राम जो है स्मैक बरामद हुई है। ये बेलबाग क्षेत्र और हमारा हनुमानताल क्षेत्र और गोवलपुर के रहने वाले हैं सभी आरोपी, और लगा इनसे जो हमको आगे लिंक्स मिली हैं उस पर भी हम लोग अपना कार्रवाई जारी रखे हुए हैं, और निकट भविष्य में और मादक पदार्थों की बरामद की जाएगी। ये अन्य राज्यों से ये सामान आ रहा था, कुछ हमारे निकटवर्ती जिलों से भी ये सामान आ रहा है। लिंक्स मिली हैं, उसको आगे डेवलप किया जा रहा है, और जो उसमें आगे जो कार्रवाई होगी उसको जब सफलता मिलेगी तो आपको बताएंगे। जो स्मैक जिनसे बरामद हुई है उनका पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड है, वो पहले भी स्मैक उनसे पकड़ी जा चुकी है, और इसमें जो हमारे इस बार जो इनसे पकड़ी गई है उसके बाद जो NDPS एक्ट के और जो कड़े प्रावधान हैं जिनपे जो बार बार जो अपराध करते हैं उन पर लागू होते हैं, उनका इस बार इस्तेमाल किया जाएगा। ये इनके जो गांजा जो ये लेकर आ रहे थे उसके परिवहन के दौरान जो है इनको इंटरसेप्ट किया गया है, और जो इनके पीछे के जो सोर्सेज हैं उनको भी हम डेवलप कर रहे हैं।